वेलकम बैक। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट ट्रांसफार्मर की सीरीज सेकेंडरी हमें किसी भी सूरत में ओपन नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन फॉर सीटी सर्किट इज दैट द सीटी सेकेंडरी शुड नेवर बी कैप्ट ओपन सर्किटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो हम फील्ड में, वो ये है कि हम सीटी सर्किट जो है वो कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। व्हाइल स्टडाइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट इज सेड दैट ऑलवेज अवॉइड अ शॉर्ट सर्किट इन द सर्किट। फर्दर शॉर्ट सर्किट इज फॉल्टी कंडीशन फॉर अ नॉर्मल सर्किट दैट मस्ट बी अवॉइडेड। हमने अभी तक जितनी भी स्टडीज की है इलेक्ट्रिकल की, हमने यही देखा है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो फॉल्टी कंडीशन है जिसमें हाई करंट फ्लो करता है और शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि MCBs इंस्टॉल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे, और जो कि शॉर्ट सर्किट को देखते हुए ऑपरेट करते हैं और सर्किट को आइसोलेट कर देते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इट नीड टू बी मेड श्योर द करंट ट्रांसफार्मर सर्किट मस्ट नेवर बी कैप्ट ओपन सर्किटेड। देयरफॉर यू विल नॉट फाइंड MCB फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इन सीटी सर्किट्स। कॉन्ट्रेरी टू सीटी सर्किट is provided with a shorting and isolation and grounding facility. Current transformers बिल्कुल एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है इसका। जो सेकेंडरी सर्किट है हमें ये मेक श्योर करना होता है कि वो ओपन ना हो और वो हमेशा शॉर्ट ही रहे। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी सीटी सेकेंडरी सर्किट के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टेड डिवाइस जिसे हम MCBs कहते हैं नहीं इंस्टॉल्ड होती। इसके बरक्स उसके अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली शॉर्टिंग एंड ग्राउंडिंग फैसिलिटी या सीटी आइसोलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी अगर आप ने सीटी सर्किट को शॉर्ट एंड करना है, आइसोलेट करना है सीटी सर्किट को, तो आप उसको पहले सीटी सर्किट को शॉर्ट करेंगे एंड देन यू कैन ग्राउंड इट, शॉर्ट एंड ग्राउंड, एंड देन यू कैन वर्क ऑन द रिले इन दैट केस। एक ऑप्शन अवेलेबल होती है जो कि सर्किट में प्रोवाइड की जाती है। करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू एमिटर, रिलेज एक्सेट्रा। अ प्रिकॉशन दैट शुड ऑलवेज बी टेकन द नेवर ओपन डिस्कनेक्ट सीटी वायरिंग सर्किट व्हेन सीटी प्राइमरी इज एनर्जाइज्ड। सो सीटी सेकेंडरी हमें पता है कि वो हमेशा कनेक्टेड होती है एमिटर्स के साथ, रिलेज के साथ, और यू कैन सी इट इज शॉर्टेड थ्रू ऑल दिस इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट बेसिकली पाथ को कंप्लीट कर रहे होते हैं और सीटी सेकेंडरी हमेशा शॉर्टेड ही रहती है। और हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि अगर पैनल एनर्जाइज है और सीटी एनर्जाइज है तो हम सीटी सर्किट में हम उसको ओपन मत करें, किसी वायर को लूज ना करें, क्योंकि ये हैज़ार्डियस है। If the current transformer secondary wiring is kept open, then it will lead to severe consequences on person working on it, damaging of CT relay and a fire hazard. अगर CT secondary wiring open रखी जाए और बंदा कोई उस open CT पे काम कर रहा हो तो वो high voltage induce होंगे और वो high voltages किसी शख्स की जान भी ले सकते हैं, injury भी हो सकती है, रिले भी डैमेज हो सकती है, सीटी भी डैमेज हो सकता है, फट सकता है सीटी। सो ये अगर डिपेंडिंग अपॉन द लोड कंडीशन, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सीटी हमेशा शॉर्ट रखे जाएं। लाइव सीटीज पे आप सीटी सर्किट के साथ जो है उसको ओपन मत करें। ये प्रिकॉशंस जो हैं ये आप जितनी भी हैं आपको लेनी होंगी। थैंक यू।